हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटक और पुडुचेरी के इम्पोर्टेंट फैक्ट, वन लाइनर्स और जितने भी यहाँ के डांस फेस्टिवल, इसके अलावा जनजातियाँ, राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को साइट, इन सभी के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो देखना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को बहुत शॉर्ट तरीके से बनाया गया है ताकि जब आप एग्जाम देने जाएँ उससे पहले ये वीडियो देखें तो आपके 100% क्वेश्चन सही होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो हैं एसटेट जीके से रिलेटेड, तो आप हमारी प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर पूरे जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उनकी एक प्लेलिस्ट दी गई है। ऐसे ही एसटेट जीके का पोर्शन उन सभी में बताया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पीएससी का एग्जाम हो, या स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, स्टेट का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कर्नाटक के बारे में। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं, भारत के मैप में कर्नाटक की है। दोस्तों, ये कर्नाटक की लोकेशन है। यहाँ से गोवा से, यहाँ से महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, इस तरफ से केरल से और कर्नाटक तमिलनाडु से कर्नाटक की सीमा साझा होती है। आपको बता दें, इसका प्राचीन नाम मैसूर है, राजधानी बेंगलुरु है। लिंगानुपात 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है कर्नाटक में। जनसंख्या घनत्व 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कर्नाटक का जनसंख्या घनत्व है। अब बात करते हैं मुख्य भाषा की, तो कन्नड़ कर्नाटक की मुख्य भाषा है। उच्च न्यायालय बेंगलुरु में है कर्नाटक का, ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उच्च न्यायालय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्नाटक में कुल 31 जिले हैं, वहीं विधानसभा सदस्यों की संख्या 224 है कर्नाटक में। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट हो गए जो आपको याद रखना है एग्जाम में, और स्टेट वाइज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं लोकसभा सदस्यों के बारे में, तो 28 यानी 28 सदस्य आपको कर्नाटक में मिलेंगे। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12 है। बात करें सीमाओं की, तो उत्तर में महाराष्ट्र गोवा से इसकी सीमा लगती है, दक्षिण में केरल से, पूर्व में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से, और पश्चिम में अरब सागर से कर्नाटक की सीमा साझा होती है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें प्रमुख नगरों में, तो हम्पी, बेलग्राम, बीजापुर, हुबली, कोलार, ये प्रमुख नगर आपको कर्नाटक में मिलेंगे। राजकीय पक्षियों में सिलेंडर लोरिस यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी में दोस्तों धनेश यहाँ का राजकीय पक्षी है, ये राजकीय पशु है, धनेश यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष चंदन है, ये भी आपको याद रखना। राजकीय फूल कमल है। बात करें पर्यटन केंद्रों की, तो टीपू सुल्तान का मकबरा, बीजापुर का गोल गुंबज, जोंग या गरसोपा जलप्रपात सरावती नदी पर है जो मैसूर में है, तुंगभद्रा अभयारण्य बिलारी में बनाया गया है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो मैसूर में है, ये भी आपको याद रखना है, रमन रिसर्च सेंटर बेंगलुरु में है, मैसूर पैलेस मैसूर में है। तो ये प्रमुख पर्यटन स्थल आपको कर्नाटक में देखने के लिए मिलते हैं। बात करते प्रथम मुख्यमंत्री की, तो केसी रेड्डी कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। प्रथम राज्यपाल एच जे बाडियार प्रथम राज्यपाल हुए। लोक नृत्य में यक्षगान, सुग्गी, कुनीता, करगा, लांबी, ये प्रमुख लोक नृत्य आपको कर्नाटक में मिलेंगे। त्योहारों में उगादि, महातमिषेक, मैसूर दशहरा, ये प्रमुख त्योहार आपको कर्नाटक में मिलेंगे। बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की, तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, केंद्राभिमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहुल राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको कर्नाटक में देखने मिलेंगे। जल विद्युत परियोजनाओं की बात की जाए, तो घाटप्रभा और मल्लापुरा परियोजना, ये आपको कर्नाटक में ही मिलेंगे। इसके अलावा यूनेस्को साइट, जिसमें हम्पी स्मारक है जो 1986 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था, पदक्कल समूह को 1987 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था, और पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को साइट बनाया गया था। अब बात करते हैं जनजातियों की, तो बेदार, टोडा, जेनू, कोरवा, कोंडा, बवड़ा, बमचा, थोटी, हक्की पैक्की, ये जनजातियां आपको कर्नाटक में देखने मिलेंगी। कुछ और वन लाइनर फैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो पहला वन लाइनर फैक्ट है, महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में, और ये अधिवेशन कर्नाटक के बेलग्राम में आयोजित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोगिया गरसोपा कर्नाटक में है। यह चौड़ाई की दृष्टि से दोस्तों देश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। बेंगलुरु को भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर और सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है।
कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज दोस्तों बीजापुर का गोल गुंबज है। भारत का सबसे जो बगीचा है वह बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में एकीकृत राज्य का गठन किया गया था। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर है। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया था। बेलूर और हेलीपेड विख्यात स्थल हैं जो आपको कर्नाटक में मिलेंगे। सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। सोने की खान कोलार में स्थित है। दोस्तों वो जो KGF मूवी बनी है वो इसी कोलार के ऊपर बनी है। कर्नाटक का भौगोलिक नाम धारवाड़ भी है, ये भी आपको याद रखना है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। हासन में इसरो का कंट्रोल सेंटर है, ये भी आपको याद रखना। वृंदावन जो गार्डन है वह मैसूर में है, ये आपको याद रखना है। मैसूर में श्रृंगेरी पीठ स्थित है। दोस्तों इसके अलावा बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ और द्वारका में शारदा पीठ, ये चारों पीठ भारत में इन इन जगहों पर मैंने आपको बता ही दिया है। अंतरिक्ष नगरी इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही स्थित है। हम्पी विजयनगर की राजधानी था और यह यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। दोस्तों यह तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित है हम्पी शहर। धारवाड़ शीशा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। कर्नाटक और बेंगलुरु का पठार आपको मिलेगा। बाबा बुदन, शेषचलम और मेलागिरी की पहाड़ियां कर्नाटक में ही स्थित है। मैसूर में देश का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है, ये भी आपको याद रखना। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना कर्नाटक से ही संबंधित है। कुछ और फैक्ट की बात की जाए तो हुबली में रेलवे संग्रहालय बनाया गया है। रबर तंबाकू उत्पादन कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। दोस्तों आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज में बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना। मंजूनाथ खला मंदिर, मुरुडेश्वर मंदिर कन्नड़ जिला में है, ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं पुडुचेरी के बारे में। तो पुडुचेरी दोस्तों भारत के चार राज्यों में फैला हुआ है, यानी पहले तो पुडुचेरी खुद में फैला हुआ है, इसके बाद तमिलनाडु में कराईकल एक जगह है, वहीं आंध्र प्रदेश में यनम नाम की एक जगह है जहां पुडुचेरी का शासन चलता है, और माहे जो केरल में एक जगह है जहां पर पुडुचेरी का शासन चलता है। तो ऐसा करके पुडुचेरी चार जगह चार जिलों में कन्वर्टेड है। सबसे पहले बात करते हैं पुडुचेरी की राजधानी क्या है। तो पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है दोस्तों, ये यूनियन टेरिटरी है, ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। जनसंख्या घनत्व 2546 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात की बात की जाए तो 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष, ये लिंग अनुपात आपको पुडुचेरी में मिलेगा। साक्षरता की बात की जाए तो 85.8% साक्षरता आपको पुडुचेरी में मिलेगी। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय लगता है, आपको याद रखना है। बात करें मुख्य भाषा की तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी, ये प्रमुख भाषाएं आपको पुडुचेरी में मिलेंगी। जिला कुल चार हैं जैसे मैंने आपको मैप में बताया है। नदियों में जिजी, माही, कोरंग, कावेरी, पंजियार, रूलर और नंदालर, ये प्रमुख नदियां आपको इसके चार जिलों में, अलग अलग जो चार जिले हैं उनमें मिलेगी। मुख्य फसल में दाल, धान, गन्ना, मूंगफली, ये मुख्य फसल आपको पुडुचेरी में मिलेगी। प्रमुख उद्योगों की बात की जाए तो चीनी मिट्टी के बर्तन, सूती धागा, कास्टिक सोडा, कागज, बियर, स्प्रेड, अमीनो अम्ल, डिस्पोजल, सिरेंज, सीसा और टिन के डिब्बे, ये आपको पुडुचेरी में ही बनाए जाते हैं। त्योहार में मास्करेड और मासिमगम, ये प्रमुख त्योहार आपको पुडुचेरी में मिलेंगे। इसके अलावा पर्यटन केंद्रों की बात की जाए तो कौन कौन से पर्यटन केंद्र हैं वो मैंने लिस्ट आपको प्रदान की है, या ये लिस्ट में समुद्र तट की सैर पुडुचेरी के लिए बेस्ट पर्यटन केंद्र है। गांधी स्क्वायर, अरविंदो आश्रम और बोरीवली, दोस्तों बोरीवली नहीं यहाँ पर ओरिवली है। मणिकुला विनायक मंदिर, बाहर मंदिर, कार मेमोरियल, फ्रेंच इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, ये प्रमुख पर्यटन केंद्र आपको पुडुचेरी में मिलेंगे। विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर 33 है, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा सदस्य की संख्या 1 और राज्यसभा सदस्य की संख्या 1।
ये भी याद रखना। प्रथम मुख्यमंत्री एडवर्ड गोबर्ट हुए थे। बात करें प्रथम उपराज्यपाल की, तो एस एल सलीम प्रमुख उपराज्यपाल हुए हैं पुडुचेरी के। पुडुचेरी और उनके आसपास की बस्तियां जिंजी नदी घाटी में स्थित हैं। पुडुचेरी, यनम, कराईकल और माहे, ये प्रमुख चार जिले हैं, मैंने आपको मैप में बताई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की है कर्नाटक और पुडुचेरी के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।